हेलो एंड वेलकम टू सीयूईटी की पाठशाला सीरीज ऑफ टॉपर्स टॉक। आपके अकॉर्डिंग टॉपर्स कौन होते हैं? वही जो फर्स्ट आते हैं? नॉट नेसेसरली राइट। टॉपर्स वो भी होते हैं जो अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा अचीव करते हैं। तो आइए चलिए हम वैसे ही एक टॉपर से मिलते हैं। प्लीज वेलकम अंशुल। थैंक यू। सो अंशुल, आप अपने बारे में प्लीज हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे प्लीज? सो माय नेम इज अंशुल दुबे एंड आई एम फ्रॉम बिहार एंड आई हैव डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी एंड माय मेजर सब्जेक्ट वाज इकोनॉमिक्स। सो आपका सिलेक्शन बीएचयू में हुआ है राइट? तो आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। ड्रीम रहता है सबका रहता है। सो विदेशिया फीलिंग बहुत ओके सो लाइक यू मेंशन्ड आप बिहार से हैं, तो आपके अकॉर्डिंग लाइक मुझे आपके व्यूज जानने हैं कि आप क्या सोचते हैं, आप सोसाइटी में कैसे चेंजेस ला सकते हैं, इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं? आई थिंक मुझे जो अभी मिल रहा है एजुकेशन वो मैं आगे अगर ट्रांसफर कर जी सकूं तो भी मतलब जैसे लोगों से जुड़ सकूं तो वही मेरी उसी के थ्रू मैं आगे सोसाइटी में चेंज ला रहा ज़्यादा बेहतर समझूंगा या कर उसी वही करना चाहूंगा तो आपने ऐसा कुछ किया है आज तक? मैं अभी तक। मतलब जो मोस्टली मेरा काम रहा है वो सोशल वर्क में एनएसएस के थ्रू मैं अपने कॉलेज में जुड़ा था जी तो वहाँ पे सोसाइटी सफाई का काम रहता था या फिर नियर बाई एरियाज में जाकर कुछ बच्चों को पढ़ाने का काम रहता था तो वही करता था। ये अभी तक इतना ही क्या हो। ओके सो हम आगे भी चल के आपको ये सब करते हुए देखना चाहेंगे। इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग कि आप ये कर रहे हो सोसाइटी के लिए। सो सर, हम बीएचयू पाठशाला भी, हम भी ऐसा ही कुछ करते हैं, तो आपको क्या लगता है हम वो अच्छे से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे? हाँ बहुत अच्छे से कर पा रहे। बस वीर भैया से भी मैंने एडमिशन से सॉरी एग्जाम से लेकर जो आपका एडमिशन तक का जो पीरियड होता है जी इसमें स्टूडेंट को एक पेशेंस की जरूरत होती है। इवन जो बीचों का जो एडमिशन प्रोसेस है वो थोड़ा स्लोली स्लोली वर्क करता है तो वहाँ पे जो इनपुट्स रहते थे कि कौन सा लिस्ट कब आ रहा है जी तो उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन भैया से मिलते रहता था। और फिर JDPI के टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज रहती थी क्या आएगी क्या नहीं। एंड अनफॉर्चुनेटली जो भैया ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी बताया था जी वही मुझे मिल गया था तो मैंने अच्छे से उस पर प्रिपरेशन किया हुआ था तो ओके वो ये जो पार्ट लगा वो कंट्रीब्यूशन रहा मेरे आज के डेट में। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं जिनको मैं जानता हूँ जी जिनको यहाँ पे आने के बाद रूम हॉस्टल वगैरह का इशू रहा तो जी मैंने रिकमेंड किया था कि आप हॉस्टल वाला जो है एक इनिशिएटिव उसको ज्वाइन करो तो वहाँ से फिर उनको BVPG कॉलेज उनका एडमिशन है तो उसके आसपास उनको रूम मिला था। ओके सो आपने बताया कि बीएचयू आपका ड्रीम है राइट? हाँ तो आपको यहाँ की क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको अट्रैक्ट करती हैं? आई थिंक यहाँ की जो स्पिरिचुअलिटी है ये बहुत एक डिवाइन प्लेस है तो वो एक रहा है। और साथ में जो BHU है ये सर्व विद्या की राजधानी कहा जाता जी है जी और यहाँ का फैकल्टी बहुत अच्छा है तो मैं इसका कोई एडवांटेज उठाना चाहता था। मुझे भी यहाँ पे पढ़ने का मौका मिला ऐसा था और फाइनली मिला भी है तो भी अच्छा है इसमें करने की कोशिश करूंगा मैं अपना। ओके सो आपने बताया कि आपने प्रिपेयर किया था काफी इस चीज के लिए राइट? तो आप हमारे दर्शकों को थोड़ा कुछ गाइड कर सकते हैं कि आप कितने देर पढ़े, कैसे पढ़े, मतलब आपको कहाँ चीज और मतलब इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं आप अपने में? देखिए जो मोस्टली अगर आपका डोमेन वाले कोर्सेज में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपका जो UG का सिलेबस रहता है उसको आपको अच्छे से रिवीजन करना रहता है तो वो अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो मुझे लगता है यहाँ पे आपको काफ़ी सहूलियत होने वाला है। अगर वो नहीं कर पाते हो तो फिर थोड़ी सी आपको टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती है। जैसे मेरा जो सब्जेक्ट था इकोनॉमिक्स था जी तो वहाँ पे जो टेक्निकल चीज़ें हैं वहाँ पे मुझे प्रॉब्लम होता था मैथमेटिकल एप्लीकेशंस को लेकर तो वही मैं थोड़ा कभी कभी उसको स्किप कर देता था बिकॉज उसके ऊपर पीछे एकदम पड़ जाना भी सही नहीं। और मैं जी थ्योरी में काफी रहता था बिकॉज लॉजिकल भी क्वेश्चंस काफी आते थे। और हाँ लास्ट में मैंने वापस से मैथ्स और जो टेक्निकल चीजें थी उसको सीखने की कोशिश की टू डिफरेंट सोर्सेस। ओके सो डिफरेंट सोर्सेस, मतलब ऐसा नहीं कि आपको 24 में से 10 घंटे 12 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है ना? नहीं COTPC के लिए आई थिंक आपका जो ग्रेजुएशन है वही सफिशियंट है। आपको मतलब ओके 3 से 4 घंटे आप पढ़ो बाकी हाँ आप खुश रहो। खुश रहना आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। इंटरेस्ट के साथ पढ़ो जब भी पढ़ने जी बैठो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
मेरा आपसे एक और सवाल था, बच्चे सीयूईटी के लिए प्रिपेयर करते हैं, एग्जाम देते हैं और फिर बहुत ज्यादा पैनिक करने लगते हैं जब रिजल्ट लेट आता है या कुछ भी होता है, तो आप उनके लिए आप क्या उन्हें एडवाइस देना चाहेंगे इससे रिलेटेड? उनके लिए बस जो एडवाइस रहेगा कि आप उसके लिए आप जो पाठशाला से जुड़ो, यहाँ का जो टेलीग्राम है वहां से जुड़ो, आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे। कम से कम आपका पेशेंस जो है वो बना रहेगा, धैर्य बना रहेगा, वो एक बहुत बड़ी बात है। और आगे चल के आपको फिर खुद ही रियलाइज होगा जो होने की बात। ओके, सो आई होप आपका बीएचयू में जर्नी बहुत अच्छा रहे आगे चल के भी, एंड आपका ये जो सपना है बीएचयू में पढ़ने का, बीएचयू में आप आ गए, आपका सपना पूरा हो गया है। आई रियली विश बेस्ट फॉर यू, एंड बीएचयू पाठशाला की तरफ से आपके लिए हमारे पास एक चीज है, कंग्रेचुलेशंस फॉर अचीविंग व्हाट यू हैव ड्रीम्ड अबाउट। थैंक कंग्रेचुलेशंस टू यू। यू, थैंक यू। ओके, मैं केवी बताने वाला हूँ आपसे ताली। ओके, तो थैंक यू, आपने देखा कि आप सिर्फ टॉप करके अपने ड्रीम्स को अचीव नहीं कर सकते, राइट? आपको अपने लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं जो आप सपना देखते हैं, सिर्फ फर्स्ट आके पूरा नहीं कर सकते, आपको उस चीज को बस हासिल करना है। फर्स्ट आना डिफरेंट है, वो अलग अचीवमेंट है, लेकिन ड्रीम्स पूरा करना वो अलग है। सो आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव रहा हो। थैंक यू सो मच।